नगरी विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह का कहना है कि अब मध्य प्रदेश के शहरों का नियोजन वर्ल्ड क्लास होगा। इसके लिए न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, शंघाई और हांगकांग सहित कई शहरों की मास्टर प्लान की स्टडी की जा रही है। अब इन्हीं शहरों की तर्ज पर प्रदेश के 34 शहरों का GIS बेस्ड मास्टर प्लान बनेगा। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, मिक्स लैंड यूज, जोनिंग प्लान और ट्रैफिक इंपैक्ट स्टडी आदि को अब आप MP के कई शहरों में देख पाएंगे। इसके बारे में जयवर्धन सिंह ने बताया कि प्रदेश में बहुत जल्द लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास मिशन में 1 लाख से अधिक मकान बनेंगे। हमको इस बात का एहसास है कि बड़े शहरों में जिस अनप्लान तरीके से पिछले 15 साल में विकास हुआ, जिसमें जो शहर की नई बस्तियां हैं वहाँ पर ना तो काम सूरज का हुआ, ना काम पेयजल का हुआ, लेकिन नई बसावटें आगे बढ़ती गई। इस व्यवस्था में फ्यूचर वही है जो हम अभी इंदौर में प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग साइट्स चिन्हित की जाएंगी, जहाँ पर पूरा डिस्पोजल किया जाएगा साइंटिफिक तरीके से। तो इसके लिए हमने इंदौर में 22 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और फिर उसी के मॉडल के आधार पर हम भोपाल में भी उसको लागू करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के शहरों को प्रदूषण से बचाने के लिए 5 नगरी निकायों में 380 इलेक्ट्रिक बस संचालित की जाएंगी। इंदौर में 40 बसों का संचालन शुरू भी हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज। बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।